हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? सुबह के 8:30 बजे हैं और हम हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। बहुत ही सुंदर दृश्य है। पहाड़ के ऊपर आप बादल देखिए, कितने गजब के लग रहे हैं। नीचे जो ग्रीनरी है ना, एकदम गजब। अभी हम जिस रोड पर भ्रमण कर रहे हैं, ये शिमला का सबसे फेमस जगह है, ये है माल रोड। वैसे यहाँ पे मोस्टली शाम को लोग घूमने आते हैं, लेकिन हम तो हम हैं सुबह ही निकल पड़े। बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है इधर। हम जिस होटल में रुके थे वो कह रहे थे कि ये सुबह यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा आपको, एकदम खाली मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो अभी भी काफ़ी क्राउड है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगी है। आज की सुबह की चाय शिमला के माल रोड पर, चाय और चाय के साथ दो मट्ठी। हाँ, वीडियो है ना अभी। यहाँ का चर्च है और इधर में यहाँ पे व्यू पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। माल रोड से नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलेगा। शिमला और नैनीताल में कुछ ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला मुझे, बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा नैनीताल का है। शिमला से कौन सी जगह भूल गया मैं तो, सॉरी, शिमला से कुफरी जा रहे हैं और रास्ते में हम खाना पीना करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? कमल। कमल जी हमारे साथ और 3-4 दिन तक हमारे साथ में रहेंगे। ये हमें ले जाएंगे यहाँ से कुल्लू मनाली। और मैं भी तो, मेरा तो बताएं। अरे भैया तुम तो हो ही सुबह से। वापसी में देखेंगे। दोपहर के नाश्ते में है गोभी का पराठा, अचार, साथ में चाय। चाहे पीछे का नज़ारा बहुत गजब है। खाना खा चुके, लेकिन यहाँ पर अभी हल्की हल्की बारिश की फुहारें गिरने लग गई हैं। सुबह से फॉग था और अब फुहारें। कुफरी का पार्किंग स्टैंड है, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। दो लोग हैं, मैं और अविन भाई, तो हम दो लोगों का 1000 रुपये का टिकट है, 500 का। घोड़े से जाएंगे ऊपर, 40 मिनट जाने के, 40 मिनट आने के। अरे ये तो पोस्टर भी फटा हुआ ऊपर से, कुफरी होलीडे रिसोर्ट। यहाँ पे एडवेंचर एंड किंग काउंटर। ओहो, ये यहाँ तो बहुत घोड़े ही घोड़े हैं। ये घोड़ों के लिए है, ये लोगों के लिए है। लो भैया आ गए हमारे घोड़े। मैं तो टेढ़ा मेढ़ा रहा हूँ भाई साहब, मेरे धक धक हो रही है। पहली बार बैठे भाई घोड़ा। हम भाई यार, अच्छी रास्ता आ जाए तो नहीं मजा आ रहा है रास्ता तो। अब ना यार मजा, आगे झुकते रहो, पीछे की तरफ झोंक मत रखो। हाँ एक बात है बहन, मेरी जूती भी जच रही है भाई साहब घोड़ा पर। ये कह रहा हूँ भाई, बारिश के मौसम में ऐसे रहता है गीला है, फिर 12 मास ऐसा ही रहता है। बारिश में हो रहा है कीचड़। अब जाके मैंने सीधा कैमरा पकड़ा है, ऊपर बना देंगे आपको फोटो। हाँ ऊपर बनाएंगे ना फोटो, हमारा भी बना देना। हाँ आपका बनाएंगे साथ में, ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे आगे की तरफ झुकना पड़ेगा। हाँ आगे की तरफ झुकेंगे तो घोड़ा जल्द चढ़ेगा। घोड़ा चल रहा तुकड़ुक तुकड़ुक। देखो नीचे से कितनी मोड़, ये पकड़ रखा है एक हाथ से तब जाके डट रहे हैं। अगर यहाँ से ना पकड़े तो ऐसी तैसी हो जाए हमारी। और अब तो मोटे मोटे भाटे आ गए। शिमला अगर आओ घूमे ना तो कुफरी नहीं घूमा तो कुछ नहीं घूमा, मजे कुफरी में, घोड़े पे बैठ के घूमो मजे लो। आवाए हम कुफरी में, जब से कहाँ घूम रहे भैया।
अब भाई साहब फॉग और शुरू हो गया है जंगल में, जब चले थे तब फॉग नहीं था। ओ भाई आराम से, ओ भाई ओ ये तो खच्चा ही ज्यादा है। भाई वाह वाह भाई वाह भैया, तुम माथ छू के हम चल रहे थोड़े थोड़े, वो सही हो, ये ज्यादा हलवा सिम लिया है। यान तुम्हारा पेंट ही बिगाड़ती हो भाई साहब, पेंट भाई वही मैं कह रहा हूँ, हलवा ही हलवा हो गया भैया। अब तो बड़ी बड़ी सलाह आ गई पता है, अभी ना वीडियो सही नहीं आ रही। हाँ ये डर लगे क्या, ये जो नीचे पत्थर पड़े हैं ना, कहीं पैर फिसल गया। हाँ यार घोड़े का पैर फिसल गया तो ये दिक्कत है बस, और तो कोई परेशानी है नहीं। चढ़ाई अब यहाँ से, भैया कह रहे हैं सेल्फी स्टिक देख के घोड़ा डर जाएगा, हम क्या इसको दिखाएंगे ही नहीं। ले पकड़ो पकड़ो पकड़ो, छोड़ दो पकड़ लिया, मुझ लगे वीडियो काफी लंबी बन जाएगी यहाँ की। ऊपर बंदे बैठे हो किसी डाले, अरे ऊपर भी इतने घोड़े नीचे भी इतने घोड़े, वो ये कहाँ ले जा रहा भैया नीचे जान है। अरे पड़ियो आड़ा ताड़ा नहीं हुआ, कड़ा ताऊ के तारी के बेगम रोगे के कड़ा पूछ। और आए ग्राम पंचायत मकड़ोल, यहाँ भी ग्राम पंचायत, यहाँ गांव में लोग कैसे आते हैं। स्वच्छता शुल्क 10 रुपया, 1 पर्सन का 10 रुपये। यहाँ आके हम घोड़े से उतर गए। राजा हो भाई, तगड़े तगड़े यार, यहाँ पे आप अपना निशाना आजमा सकते हो। अरे यहाँ पर गजब का मार्केट है, सारे गर्म कपड़े इधर, नाश्ता वगैरह भी है सब, पिज्जा इतनी हाइट पे भी यार सब कुछ मिल रहा है, कमाल एकदम, बहुत ही बढ़िया शिमला के साइड सीन। हाँ क्या कह रहे हो, तो यहीं से लोगे टोपी, यहीं से लेते इतनी हाइट पे आके। अरे यार कान तो दबेंगे ना, नहीं कान थोड़ी ना ऐसे ही नहीं, लेकिन बालों को तो दबाओ, सही लग रही है आगे से बाल तो दबाओ अपने, पहली बार आए हो। 100 रुपीज। इधर तो फॉग ही फॉग है, कुछ दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे बोर्ड लगा है लास्ट में, आप देखिए लिखा है शूटिंग पैलेस फोटो पॉइंट। अरे तो बता दो ये टोपी कैसी लग रही है। पहुंच तो गए हम टेलीस्कोप पॉइंट के पास, लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्या यार। हाँ मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा, धुंध ही धुंध, क्या बताएं। आवाज़ सुन सकते हो आप, चाय कॉफ़ी मेगी देख नहीं सकते, आग जल रही है धीरे धीरे वो देख सकते हैं। आप पैदल इस पॉइंट के लिए आगे जाते हो, 4 पॉइंट आगे जाते हो, अगर इनके अंदर आपको एंट्री करना है, एंट्री अगर अंदर जाना है तो इसका एंट्री चार्ज होता है, चारों पॉइंट जो आएगा 175 रुपये पर हेड चार्ज करता है, 4 पॉइंट आएगा ठीक है पैदल जाने में। अगर हमारे थ्रू गाड़ी में जाना चाहते हो यहाँ से, तो उसमें ओनली आपका 250 पर हेड चार्ज होता है, 250 के अंदर सबसे पहले तो गाड़ी मिलेगा। 4 पॉइंट का जो एंट्री है 175। कौन कौन सा भाई, स्टेप फार्मिंग है, एप्पल गार्डन है, शूटिंग प्लेस है, ब्लेजू है, टोटल पॉइंट सारा आस पास साथ में ठीक है। अगर इसके अंदर जाना है तो 175 पैदल जाने में एंट्री है, हमारे थ्रू गाड़ी में जाओगे तो 250 बनेगा, उसके अंदर सबसे पहले तो गाड़ी आएगा, जो आपका 4 पॉइंट का एंट्री है वो भी उसके अंदर आ जाएगा। एक अंदर सही है ठीक है, और आगे जाके ये हमारा पार्क बना है, इसके अंदर जाके आपको कोई भी गेम करने का मूड कर जाए, जैसे जिप लाइन है, इसका जो लेंथ है पीछे टावर लिख रहा है लास्ट में, टावर से लेकर टॉप टेंपल के बैक साइड तक, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, टावर है कहाँ, इतना लंबा ये जिप लाइन मिलेगा आपको, एक एक गेम फ्री में मिलता है करने के लिए आप सब लोगों के लिए 250 के अंदर, ये चीज़ है भाई। एक एक गेम, लेकिन गेम कहाँ से खेले हैं, कुछ दिख तो है ही नहीं रहा, कैसे आगे जाए क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। लो घूम लो एप्पल गार्डन, हो गई ना बरसात, अब यहाँ पे हमने शरण ली है तरपाल के नीचे, रैफ्टिंग कर ली है, रैफ्टिंग करनी हो तो सब कुछ कराओ, सारा कुछ 1500 की है। हां आ जाओ, कोई दोषा है मारा तो पांडा, आ जाओ। आज तुम्हारी यहाँ पर ऐसी तैसी हो गई, बारिश की वजह से कुछ नहीं देख पाए, बस घोड़े से यहाँ पर आ पाए और यहाँ से वापस चले जाएंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे काफ़ी अच्छी जगह हैं,
सेब के बाग हैं और पता नहीं भैया बता रहे थे बहुत चीज़ें हैं वही खास ये देखने के, लेकिन वहाँ कैसे जाएं, बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, आधे घंटे से खड़े हैं पीछे, थोड़ी सी बूंदाबांदी रुकी है, हमने कहा चलो चाय वाय पी लेते हैं, थोड़े गर्म भी हो जाएंगे। और ये टोपी तो ले ली, लेकिन कान अभी ढके नहीं है। और टोपा हम लेके आए थे लेकिन रूम पे रखा है, जब रूम से निकले थे तब तो मौसम ठीक ठाक था, यहाँ के बारिश हो गई। चाय की दुकान लगी है, यहीं पर चाय पियेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा अशोक वर्मा जी। अशोक वर्मा जी, चलो बढ़िया, दो कप चाय बना दो, फर्स्ट क्लास। और भी बहुत चीज़ें हैं, आलू टिक्की वगैरह। और ये भाई साहब बैठे हैं, भाई साहब कहाँ से? बढ़िया जी, कहाँ से हो भाई? भाई हरियाणा से। हरियाणा से हो, कितने लोग आए हो घूमने? कितने लोग आए हो? भाई यो भाई अपना भाई मानसु दिख लिया भाई। और आप? हमारा नाम भाई साहिल दिख लिया। क्या हुआ? अखिलेश दिख लिया भाई। अरे यो सूर्या दोनों भाई, वो पलम पलम यार होगी टॉलीवुड वाला की। साउथ वाला की उसमें काम करे, उसमें काम करे। क्या बात है, टॉलीवुड में काम किए हो? क्या देखने में तो बहुत कड़क लग रही है, पी के देखिए आपने? कड़क चाय गजब, तुम्हारा ब्लर हो गया यार। फोटो की बात करो, हम वीडियो बनाते पूरा। क्या बात है भाई, देखो ये यहाँ पान मिलता है, गुटखा मिलता है, सिगरेट मिलता है, रजनीगंधा मिलता है, तो जो मिलता है दिलबाग मिलता है, क्या चाहिए आपको? सब नाम है टिंटू राम। क्या वाला पान मिलता है, मसाले वाला। ये देखो, अगर जी आप लोगों को खाना है तो आ सकते हैं सर। जी बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू। और यहाँ पर याग देख रहे आप लोग, यहाँ पे ऐसे पर गए फोटो शूट करवाते हैं गन वगैरह लेके। चलिया चलिया, तगड़े आने में किसको बैठना है इधर? आजा भैया कपल कपल में। अगर मुझे ही शूट करो कौन वीडियो बनाएगा? बाबू इधर देख, ये बहुत सीधे साधे भाई साहब है ना, सब ट्रेन ट्रेन नहीं है सब अभी तो। और जंगल में मर जाए तो ठीक है, देखा चल पर। बहुत 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 ठीक है भाई साहब, वीडियो बनाएंगे एकदम सही। हाँ हाँ, भाई साहब गुस्सा हो गया, ये कर दूंगा, ये नाराज हो गया। ऐसे ऊपर की तरफ रहे ना कि ना? बस ऐसे ही देखो, इधर एक पर्सन के 50 रुपए लगते हैं। याक पर बैठ के फोटो बनाओ, वीडियो बनाओ, मौज मस्ती करो। वापस हम उसी स्थान पर आ गए हैं जिस स्थान पर हम घोड़े से उतरे थे, तो घोड़ा पकड़ के अब चलते हैं नीचे। आपकी बार तो भाई साहब तुम सबरे मजा ले जाओगे, आ गए थे ना हमारा घोड़ा तो तुम्हारे एक पीछे बंद के चल रहा भाई। देखो अब तो भैया पानी भर गो यहाँ सतेंद्र भाई। हाँ बाई चांस मेरे ने ये वाले चावल मिल जाए तुम्हारे तो मजे आ जाओगे, तुम तो कभी आ सको। अरे ये रास्ता देख रहे हो, कभी आ सको। अब बाइक लेके निकले करियो तुम। अरे भाई साहब यहाँ आने के लिए कोई दूसरा रास्ता है क्या? यही रास्ता है, यही है तो भाई साहब, यहाँ तो लोग बड़ी मुश्किलों से आते होंगे। तेरी ऐसी तैसी कराऊं, रुक जा आराम से, कुछ को मत कुछ जाइयो भाई। और तेरी ऐसी पकड़े ही ना मेरी जान दे भैया, एक्सीडेंट वाला बंदा जा रहा है। ओ भाई इतना इतना नहीं, इतना नहीं। अबे खाई देख रहे हो बगल में? कुआ हुआ ना यहाँ तो भैया, खाई खाई है, सेब के बाग ना देख पाए यार। अरे कहाँ देखते यार, ऐसी बारिश हो रही, बड़ी मुश्किल से यहाँ निकल के आए हैं। अब 4 बज गए, रूम तक पहुँचेंगे तो 8 बज जाएंगे, कहाँ सेब के बाग देख लेते। वही तो सेब तो मनाली में मिले, मनाली में देख लेंगे। तो कल जब नीचे से ऊपर की तरफ चढ़े थे ना, तब तो नीचे झुक के चढ़े थे। अब भाई साहब कह रहे हैं कि अब ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, अब आपको शरीर का जो बैलेंस है वो पीछे की तरफ करना है ऐसे। और अब तो मेरे को दिक्कत भी नहीं है, एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा है, एक हाथ हमारा ऐसे ही है। आज तो पंगा हो गया, देखो कपड़े ख़राब, जूती ख़राब, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम ये खेत में काम करके आए हूँ। और देखो अभी पूरा पेंट भी गीला हो गया नीचे से, बारिश हुई थी ना तो गधे पे जो गद्दी लगी थी वो ख़राब। एक बात बताएं आपको, किसी को बताना मत आप, हम जब इधर से गए थे ना तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, लेकिन इधर से चले गए और वापसी हम जब आए ना
तो भाई साहब बता रहे थे कि आप घोड़े पे नहीं बैठे हो, आप गधे पे बैठे हो। घोड़ा बना करके गधे पे बैठा दिया, जैसे एक फिल्म में डायलॉग है ना, वे छोटी गंगा बता के नाले में कुदा दिया। अब हम भी पीछे ही बैठेंगे क्योंकि मुझे कैमरा चार्ज करना है, कैमरे की बैटरी लो हो गई है, मेरा बैग वैग यहीं पड़ा है। अच्छा अब आगे के मजे ले होगे तुम और का। वापस शिमला जा रहे हैं और फिर से बारिश शुरू हो गई है, लेकिन हमें यहाँ पे एक शॉट लेना है। ये जगह है ग्रीन वैली, बहुत ही खूबसूरत, 12 महीने यानी कि पूरे साल ये जगह हरी हरी रहती है। जल्दी से वीडियो बना ले, बहुत ही गजब सीन, और बूंदें बढ़ती ही जा रही हैं। ओह माय गॉड, गजब फॉग, कहना ही क्या है। और इधर वाह मज़ा आ गया, आप देख सकते हैं बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। फटाफट से गाड़ी में बैठ ही लेते हैं। ए भैया रुक जाएंगे, सब रुक जाएंगे, सब रुक जाएंगे, सब। गई ऐसी तैसी। क्या हो गया सतेंद्र भाई, क्या हो गया? चक्कर आ रहे हैं यार आज, गाड़ी ऐसे घूम रही है ना, अब देखो ऐसे घूम गई, अब ऐसे घूम गई, अब पहाड़ों में तो ऐसे ही घूमेगी भाई। थोड़ी हवा ले लो ताजा। ये संजौली का मार्केट है जो कि शिमला से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। शाम के 5 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं शिमला। यहाँ पे गाड़ी ने हमें ड्रॉप कर दिया और यहाँ से फिर हम होटल जा रहे हैं। ये सीढ़ी नुमा रास्ता बना हुआ है, वो हमारा होटल है। अब तो शायद हमें रूम पे रुकना पड़ेगा। हमारा ये विचार था कि शाम को भी हम एक बार मॉल रोड घूम लें, लेकिन घूमने कहाँ से जाएँ, बारिश को करने दे तब ना। तो प्लान के बारे में बता देते हैं आपको। हमने यहाँ पे टूर पैकेज लिया है 4 दिन का, आज है 8 तारीख, तो 8, 9, 10 और 11 चार दिन तक हम गाड़ी से घूमेंगे। आज हम शिमला घूम लिए, कल हम मनाली जाएंगे, मनाली पहुंचेंगे शाम तक, क्योंकि मनाली यहाँ से करीब 250 किलोमीटर दूर है। परसों जाएंगे फिर हम रोहतांग पास, जो कि मनाली से 65 किलोमीटर दूर है, और तरसों यानी कि लास्ट 11 तारीख को मनाली के साइड सीन करेंगे। 4 दिन तक गाड़ी में घूमना और होटल में रुकना, टोटल करके हमारा कॉस्ट बढ़ा है हमें 14,000 दो लोगों का। अरे भाई चांदनी फिल्म चल रही है स्टार गोल्ड पे। आज हमने डिनर जल्दी ही मंगा लिया, 7:30 बजे हैं, और डिनर में हमने मंगाया है आलू मटर की सब्जी, 6 चपाती। कल हमने प्लेन रायता मंगाया था, इसलिए आज हमने बूंदी वाला रायता मंगाया है। चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। सर्दी दबा के हो रही है और आप रायते पे रायता खाए जा रहे हैं, अभी जुकाम लग जाए तो मेरे से मत कहना। देखो भाई साहब, बिना रायते के हमको मजा नहीं आता, दूध हो या छाछ हो कुछ ना कुछ तो चाहिए। हम रोटी ऐसे खाते हैं, सब्जी आई थी इसमें, सारी सब्जी इसमें डाल ली, रोटी एक जगह रखी है।